नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक और अपडेट GST R1 के बारे में। तो दोस्तों, ज़्यादातर लोग जो अकाउंट से रिलेटेड या फिर GST से रिलेटेड जो भी अपडेट देते हैं ऑनलाइन, उन्होंने लगभग ये बोला है कि 11 जनवरी से लेट फीस लगने लगेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो पहले की तरह ही रहेगा। जो लेट फीस पहले लगती थी R1 में, उतना ही लगेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने कस्टमर केयर में बात की थी, तो वहाँ पे मुझे ये भी पता चला कि जो ये कहा जा रहा है कि 11 जनवरी से 2020 से लेट फीस लग रही है, वो तो वैसी ही प्रक्रिया चलेगी जो पहले चल रही थी। डिसाइड ये हुआ है कि अगर जो जुलाई 2017 से नवंबर 2019 तक जिसने अपनी R1 नहीं भरी और उस पर लेट फीस होना चाहिए था, वो लेट फीस नहीं होगी, उसको वे ऑफ कर दिया गया है, ये उनका कहना है। तो जो ये लोग कह रहे हैं कि रिटर्न भर लीजिए, नहीं तो 11 जनवरी से लेट फीस हो जाएगी, ₹50 पर डे होगा, प्रोसेस पूरा वही है, कुछ अपडेट नहीं हुआ है। तो ये नहीं किया गया है कि R1 पे भी देनी पड़ेगी लेट फीस, वो तो चल ही रही है, वो तो चलता ही है, वो चलेगा ही, उनका ये कहना था, मैंने जो कस्टमर केयर पे बात की। बाकी जो ये बात हुई है, जो मुद्दा छिड़ा हुआ है कि R1 पे देना पड़ेगा लेट फीस, वो ये हुआ है कि वे ऑफ की गई है, यानी कि माफ की गई है। अगर वो 10 जनवरी से पहले पहले, यानी कि 10 जनवरी तक R1 अपनी पिछले महीनों की भर देता है, जुलाई से लेकर नवंबर 2019 तक, तो ये था GST R1 का अपडेट। उसमें बाकी उसके दिसंबर और जनवरी से फिलहाल अभी वैसा ही प्रोसेस रहेगा। GST R1 में जो लेट फीस पहले लगती थी 10 तारीख के बाद जो करते थे, वो सब कुछ वैसा ही रहेगा। और जो अपडेट देते हैं अकाउंट्स का, उनका ये कहना है कि R1 में ही अपडेट होगा लेट फीस का और उसमें ही आएगा वो सब चीज़ें। तो मैंने कस्टमर केयर पे अभी बात की है उनसे, तो वहाँ पे ऐसा कुछ अपडेट नहीं होगा। GST R1 का जो लेट फीस है वो 3B जब हम भरते हैं उसमें कैलकुलेट होके जाएगा, ऐसा उनका कहना है। मैंने दोनों जगह बात की है, कस्टमर केयर पर भी बात की है और CBC सेंटर जो है GST का जो अपडेट देते हैं उनसे भी बात की है। तो दोस्तों, ये था अपडेट GST R1 पे। आगे मैं आपको बताता रहूँगा और भी अपडेट्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।